प्रकृति की महान किताब में सबका स्वागत है। ये किताब सारे जानवरों के बारे में है और हर पाठ में भालू साहब आपको हम में से एक जानवर की कहानी सुनाएंगे। चलो जल्दी करो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। अरे आज बहुत काम है, चलो चलो जल्दी करो। अरे क्या हो रहा है? चलो चलो जल्दी चलो, बहुत मजा आएगा। भालू साहब की कहानी सुननी है, चलो मुझे भी जाना है, चलो। शायद आज हमारी कहानी सुनाए। भालू साहब की कहानियाँ बहुत ही मजेदार होती हैं। बिल्कुल हमारी तरह। कहाँ है वो? वही होगा अपने शहद और मधुमक्खी वाले पार्ट में। जानते हो ना कितना खाता है? कितनी देर हो गई, कहाँ है वो? ये वो आ रहा है। पूछना बंद करो। अरे वाह, सब आ गए। आज हम प्रकृति की महान किताब का एक और पाठ खोलेंगे। आज की कहानी है इस प्रकार जब ओक के पेड़ ने छोटे पक्षियों को गोद लिया तो उसने एक वास्तविक माँ की तरह उनकी देखभाल की, जिसने उन दोनों की देखभाल की। छोटे बच्चे अपने असली माता पिता की देखभाल के बिना बड़े हुए। ओक के पेड़ को अपने नए परिवार पर गर्व था। वे सभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वे सुबह से शाम तक खेलते रहते थे और जंगल उनकी हंसी से गूंजते रहते थे। अपने आप जाने का समय आ गया है। जब तक आप अपना अच्छा ख्याल रखते हो तब तक आप जब तक चाहे दूर रह सकते हो, इसलिए अब आप चले जाओ। तुम्हारे पक्षी अपना भाग्य ढूंढने को चले गए हैं? मुझे लगता है कि वे अब बड़े हो गए हैं। हाँ, मुझे याद है जब वे सिर्फ दो छोटे बच्चे थे। उस तरफ देखो, वो तो डॉक्टर कटफोड और बलूत माँ है। तुम्हें तो दिमाग लग गया है, उन्होंने तुम्हारा सारा रस चूस लिया। बलूत माँ, क्या बात है? क्या आप बीमार हैं माँ? कुछ तो बताइए माँ। शायद उन्हें प्यास लगी है, मैं जाकर लाता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है हमारी माँ को? वो बहुत बीमार है बेटा, मुझे डर है कि वो ज्यादा दिन नहीं बचेंगी।
मैं जानता हूँ, पर अफसोस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। कोई तो दवाई जरूर होगी जो माँ को ठीक कर दे। उनका इलाज बहुत मुश्किल है। जब दीमक इस तरह हमला करते हैं तो उन्हें कोई करिश्मा ही रोक सकता है। क्या कुछ नहीं हो सकता, और माँ मर जाएगी। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। क्या सचमुच? ऐसे हिम्मत हार जाने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर कटफोड़ा ठीक कहते हैं, माँ बलूत की मदद के लिए कोई ना कोई जरूर होगा। इसलिए हमें हिम्मत रखनी होगी भैया, हमें सिर्फ उसे ढूंढ निकालना होगा। मैं जानता हूँ हमें वो जरूर मिलेगा। हम हर एक से पूछेंगे कि क्या उन्हें ऐसे किसी ज्ञानी शख्स का पता मालूम है। ऐसी एक ज्ञानी बुजुर्ग श्रीमती कछुआ है समुन्द्र में, पर उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल। आप ऐसा मत कहिए बलूत माँ, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती हम ढूंढेंगे, हम दवाई लेकर आते हैं। चलो चले। अपना ख्याल रखना बच्चों, अपना ख्याल रखना। समुंदर तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही लंबा है और खतरों से भरा हुआ है। आप चिंता न करें। दीमक फिर से आ गए। श्रीमती कछुआ, श्रीमती कछुआ की कछुआ को बुलाइए, हमें उनसे बात करनी है। बलून माँ बीमार है, कृपया पानी से बाहर आइए, हमें आपकी मदद चाहिए। ये रही वो। क्यों शोर मचा रहे हो? हमें आपसे बहुत जरूरी बात पूछनी है। हमें बताया गया है कि आप एक बहुत ज्ञानी बुजुर्ग कछुआ हैं और आप हमारी मदद। कितने बदतमीज बच्चे हो। क्या ये कोई तरीका है किसी महिला से बात करने का? देखो मेरी तरफ, क्या मैं बुजुर्ग लगती हूँ? मेरी उम्र तो अभी 300 साल भी नहीं है। ओ, सच्ची? देखा, तुमने उन्हें गुस्सा दिला दिया, वो हमारी मदद नहीं करेंगी। माफ कर दीजिए श्रीमती कछुआ, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता था, पर हमारी माँ बीमार है और उन्होंने कहा कि दवाई ढूंढने में आप हमारी मदद करेंगी। हमारी माँ एक बलूत का पेड़ है और दीमकों ने उन्हें बीमार कर दिया है। वाह, तुमने कहा और मैंने मान लिया कि तुम दोनों की माँ एक पेड़ है। पर ये सच है, उन्होंने हमें गोद लिया है, उन्होंने हमेशा हमें प्यार दिया और अब हमारी वजह से वो मर जाएंगी। मैं बुजुर्ग नहीं तो क्या हुआ, मुझे पता है किस दवाई से तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। सच्ची? क्या है वो? वो दवा एक बहुत सुंदर फूल से निकलती है, तुम्हें सूरज उगने से पहले उसका पराग निकाल कर अपनी माँ को देना होगा। अरे वाह, अरे वाह, दवा मिल गई। माफ कीजिए श्रीमती कछुआ, पर ये दवा मिलेगी कहाँ? वो वहाँ उन ऊंचे पहाड़ों में सबसे ऊंची बर्फ की गुफा में उगती है। इतनी दूर ऊंचाई पर? आ जाओ, मैं मदद करता हूँ। पकड़ो मुझे। आराम कर लेते हैं। तुम्हें पता है हम रुक नहीं सकते, एक एक मिनट कीमती है। रुको, रात काटने के लिए जगह ढूंढते हैं। हाँ, शायद तुम ठीक कहते हो, आराम कर लेना चाहिए, लगता है भारी तूफान आने वाला है। आकाश में अंधेरा छा रहा है, आओ भाई चलो कोई आसरा ढूंढते हैं। भाई, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? जवाब दो। छोटे
जानी पहचानी है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बलूत माँ से इतनी दूर ये घोंसला क्यों बना रहे हो? तुम्हें तो अपने भाई के साथ अपनी माँ के इलाज के लिए दवाई ढूंढनी चाहिए ना। मुझे पता है, पर एक भयानक तूफान आया और जोर से बिजली कड़की। मैं बच गया पर मेरा भाई नहीं बचा। देखिए क्या बचा है, उसका सिर्फ एक पंख। मुझे अफसोस है बेटा, पर ये हार मान लेने की कोई वजह नहीं हुई। तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, वो तुम दोनों के वापस आने की राह देख रही है। अब ये तुम पर है कि तुम अपने भाई की याद में अपनी खोज जारी रखो, समझे? भाड़ में गया मेरा भाई और वो दो टके की दवाई। वो मुझसे प्यार नहीं करता, उसने कभी किसी से प्यार नहीं किया। चूर चूर, भूख से बेहाल और निराश, हमारा नन्ना दोस्त बेहोश हो जाता है और एक अद्भुत दुनिया का सपना देखता है। फूलों, फलों और खिली धूप से नहाई हुई दुनिया। वो वहां अपने भाई और दोस्तों के साथ सुखी है। पर बहुत जल्द उसका सपना टूट जाता है। उसे ठंड और बर्फीले पहाड़ों का सामना करना पड़ता है, पर वो अपनी मां को बचाने वाले पराग की खोज करता रहता है। फूल, कहां हो तुम? जवाब दो। फूल, कहां हो तुम? जवाब दो। मैं यहां हूं, इस गुफा में। कौन पुकार रहा है? क्या चाहिए तुम्हें? मुझसे कहा गया है कि आपका पराग मेरी बीमार माँ को बचा सकता है, पर मैं तो अभी खिली ही नहीं, इसलिए मेरे पास पराग नहीं है। तुम्हें बसंत ऋतु तक रुकना होगा, जब बर्फ पिघलेगी। नहीं नहीं, मैं इतनी देर नहीं रुक सकता, मेरी माँ तब तक जिंदा नहीं रहेगी। देखो, रो मत, हिम्मत मत हारो। आजकल यहाँ बर्फीले तूफानों का जोर कम हो रहा है, और अगर सूरज की किरणों से मुझे थोड़ी गर्मी मिले तो सब ठीक हो जाएगा। मैं तो खिलने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे अपनी जड़ों की फिक्र है। जमीन इतनी ठंडी है कि कहीं वो जम ही ना जाए। हमारे नन्हे दोस्त की यादें उसे वापस अतीत में ले गई, जब बलूत माँ ने उसे और उसके भाई को शरण दी और प्यार से देखभाल की थी। उसे याद आया कि जंगल में वो कितना खुश था, और फिर उसे बलूत माँ की कमजोर हालत भी याद आई। अपनी बीमार माँ की याद ने उसमें दोबारा हिम्मत और ताकत जगाई। उसने किसी भी कीमत पर दवाई हासिल करने की ठान ली थी। लीजिए, मेरे पंख आपकी जड़ों को गर्मी देंगे। अब आप फिक्र मत कीजिए, अब अगर और बर्फ भी पड़ी तब भी आपको ठंड नहीं लगेगी। अगर मुझे
फूल नहीं मिला तो पता नहीं उसे मैं कहाँ ढूंढूंगा। ओहो, ये रहा फूल। नन्ना पक्षी जिंदा है और वो यहाँ पहुंच गया। श्रीमती कछुआ। किसने पुकारा? श्रीमती कछुआ, मुझे अभी अभी ये छोटा बच्चा पहाड़ों में एक फूल के आंसू बटोरता हुआ मिला और मैं चाहता हूँ कि आप। कमाल हो गया, यकीन नहीं आता। इसकी इच्छा शक्ति जरूर बहुत दृढ़ होगी। जरा देखिए तो इसने कितना इकट्ठा किया है। दूसरे वाले ने सोचा कि उसका भाई मर गया है और वो बलूत माँ के पास वापस नहीं जाना चाहता। हाँ, मेरे ख्याल से वो डरा हुआ है और परेशान है। मैं उसे बुलाती हूँ। देखो तो ये कौन है? क्या बात है नन्हे बच्चे, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? हंसो बेटा। पर मेरा भाई मर गया और मैं दवाई भी ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा। ये सच नहीं है। तुम्हारा भाई मरा नहीं है, उसने पहाड़ों में जाकर वो फूल ढूंढ निकाला है। माँ बलूत इस वक्त दवाई पी रही हैं। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के पास ले चलती हूँ। फिक्र मत करो, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। थोड़ा और पियो, थोड़ा सा और माँ, तुम ठीक हो जाओगी। शुक्रिया। असर हुआ, असर हुआ, दवाई का असर हुआ। देखो तुम्हारी माँ ठीक हो रही है। वाह वाह। माँ अपनी आंखें खोलिए, आंखें खोलिए माँ, मुझे देखिए, मैं आपके सामने हूँ। आप ठीक हो गई, आप ठीक हो गई। जीते रहो मेरे बच्चे। रोइए मत माँ, मत रोइए। बिल्कुल सही वक्त पर पहुँचे हैं। माँ माँ देखिए, श्रीमती कछुआ के साथ छोटा भाई भी आ रहा है। हम सब फिर से मिल गए, पूरा परिवार दोबारा एक हो गया। भाई भाई। बेटा। भाई तुम्हें तो खुश होना चाहिए। भाई मैं तो कहूँगी कि आपके बच्चे काफी मुसीबतों से गुजरे हैं माँ बलूत, पर अंत में उन्हीं की जीत हुई है। मुझे तो लगता है कि उन्हें यह तजुर्बा अपनी सारी उम्र याद रहेगा। पर इनके मुँह से सुनना चाहिए बलूत माँ कि आखिर क्या क्या हुआ था। मुझे बताओ बेटा, बताओ तुम्हारे और तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ? जब हम उस पुल को ढूंढने निकले तो एक भयानक तूफान में हम बिछड़ गए और फिर हमने अलग अलग अपनी खोज जारी रखी। बस मेरी किस्मत अच्छी थी कि पुल पहले मुझे मिल गया। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। सुनिए बलूत माँ, मैं स्वार्थी और बुजदिल हूँ और मैंने फूल ढूंढना भी बंद कर दिया था। आप सिर्फ इसकी वजह से ठीक हुई हैं। रो मत, अपनी गलती मानकर तुम भी अपने भाई की तरह बहादुर बन गए हो। मुझे माफ कर दो भैया, माफ कर दो। बलूत माँ और उनके दोनों बच्चे खुशी खुशी दिन गुजारने लगे और स्वार्थी बच्चे ने एक जरूरी सबक सीख लिया। हार के सामने भी कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में हर समस्या का हल होता है। Well, have you all learned the lesson? And the moral of the story is we must always do everything we can to help each other. Oh, look who's coming!
कहते हैं।